प्यारे विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट सेकंड एमबीएस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ईएफएम का जो सेकंड पेपर है बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस इन इंडिया, भारत में बैंकिंग विधि एवं व्यवहार, इसके अंतर्गत अपना चैप्टर चल रहा था बैंक एंड बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया। और इसमें अभी तक आपने पढ़ा कि बैंक किसे कहते हैं, बैंक के प्रमुख कार्य क्या हैं। आज हम अध्ययन करेंगे टाइप्स ऑफ बैंक्स, बैंकों के प्रकार या बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया, इसका अध्ययन हम करेंगे कि भारत में किस प्रकार की बैंकिंग व्यवस्था है। मैं डॉक्टर चंद्रदास गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, श्री गोविंद सिंह गुर्जर, राजकीय महाविद्यालय नसीरबाद के अंदर कार्यरत हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में जो बैंकिंग व्यवस्था है उसके अंतर्गत बैंकों का बैंक या भारत का जो केंद्रीय बैंक है वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। प्रत्येक राष्ट्र में एक केंद्रीय बैंक होता है और भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। और ये जो केंद्रीय बैंक हैं, प्रत्येक राष्ट्र के अंतर्गत बैंकों के संदर्भ में सर्वोच्च संस्था होती हैं और उस राष्ट्र के अंतर्गत जितने भी बैंक्स हैं उन सब पर नियंत्रण रखने का कार्य इस केंद्रीय बैंक का होता है। और हम ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि यह बैंकों का बैंक है, बैंकों का भगवान है या बैंकों का अंतिम निर्माता है। यानी कि बैंकों को जब भी धन की आवश्यकता पड़ती है तो वे उस राष्ट्र के जो केंद्रीय बैंक हैं, जैसा कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो उसके पास जाते हैं। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में स्थित जितने भी बैंक्स हैं उनको अंतिम निर्माता के रूप में कार्य करता है। भारत में नोट निर्माण का जो कार्य है वह भी केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किया जाता है। एक रुपये के नोट को छोड़ करके जितने भी धनराशि के नोट हमारे राष्ट्र में चलते हैं, जैसे 2 रुपये हैं, 5 हैं, 10, 20, 50, 100, 200 या 500 या 2000 का जो नोट है वो भारत का जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसके द्वारा ही जारी किए जाते हैं। और भारत सरकार को जब भी धन की आवश्यकता पड़ती है वह केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही उधार लेती हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत की जो बैंकिंग व्यवस्था है उसकी जो सर्वोच्च संस्था है वह है केंद्रीय बैंक यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। इसके समानांतर एक राष्ट्रीय स्तर बैंक है नाबार्ड। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी और इसका जो मुख्य कार्य है वह भारत में जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के विकास के जो कार्य हैं उनके लिए रीफाइनेंस की फैसिलिटी इस नाबार्ड के द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। यानी कि नाबार्ड किसानों के लिए प्रत्यक्ष रूप से ऋण सुविधा उपलब्ध नहीं कराता है, बल्कि भारत में जो बैंक हैं, जो व्यापारी बैंक हैं या कॉमर्शियल बैंक हैं, या हमें इनको कह सकते हैं रिजर्व क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं या कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनके माध्यम से रिफाइनेंस की जो फैसिलिटीज़ हैं नाबार्ड के द्वारा जारी की जाती है। ये भी एक राष्ट्रीय स्तर का बैंक है। ऐसे ही हमारे राष्ट्र में व्यापारी बैंक हैं, कॉमर्शियल बैंक हैं, जो कि सामान्य जो बैंक हैं जो रुपये जमा करना है, धन उधार देना है या सामान्य बैंकिंग सिस्टम के जो कार्य हैं इन व्यापारी बैंकों के द्वारा किए जाते हैं। भारत में जो व्यापारी बैंक हैं वो 2 प्रकार के हैं, एक तो है राष्ट्रीयकृत व्यापारी बैंक और दूसरी हैं प्राइवेट व्यापारी बैंक। आप जानते हैं कि भारत में सबसे पहले बैंकों का राष्ट्रीय 1969 में 14 बड़े बैंकों को राष्ट्रीय किया गया था, उसके बाद 1980 में 6 बड़े बैंकों को राष्ट्रीय किया। और जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है उसका 1955-56 में भारतीय स्टेट बैंक और उसकी 7 सहायक बैंकों के रूप में स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार से हमारे देश में कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकें कार्यरत हैं। इनके अलावा 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसके बाद प्राइवेटाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था, तो उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक हैं उसकी जो सहायक बैंक थी उनको धीरे धीरे भारतीय स्टेट बैंक में मर्ज कर दिया गया है। वर्तमान में भारत के जो सबसे बड़े जो व्यापारी बैंक हैं वह हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक हैं। इसके अलावा भी अन्य जो व्यापारिक जो बैंक हैं जिनमें कि हम विदेशी व्यापार बैंक भी सम्मिलित कर सकते हैं, या जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक हैं जैसे ICICI बैंक है या और दूसरे बैंक्स हैं, HDFC बैंक हैं, ऐसे बहुत सारी बैंक अब आजकल प्राइवेट सेक्टर में खोली जा रही हैं। या हमें ऐसे कह सकते हैं कि भारत सरकार की जो नीति है
और प्राइवेट सेक्टर में व्यापार बैंक खोलने की ज़्यादा है। इसके अलावा जो बैंकिंग स्ट्रक्चर में होते हैं वह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक्स की स्थापना हमारे देश में सबसे पहले 1975 में की गई थी और उस समय 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक खोले गए थे। ये एक या दो या तीन जिलों को मिलाकर के और उन जिलों के अंतर्गत रीजनल रूरल बैंक्स खोले गए थे। इनका मुख्य उद्देश्य था कि जो ग्रामीण व्यक्ति हैं उस क्षेत्र विशेष के जो व्यक्ति हैं उनको ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाना है और क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक हैं वे सभी कार्य करती हैं जो कि व्यापार बैंक करती हैं, यानी कि जनता से जो धन जमा करना है या बैंक ड्राफ्ट की सुविधा देनी है, चेक की सुविधा देनी है। हाँ, अब इनकी ब्रांचेज सेमी जो अर्बन एरियाज हैं उनमें भी खोलने लगी है। तो हम कह सकते हैं कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं वे भी व्यापार बैंकों में भर्ती कार्य करती हैं। इसके अलावा आते हैं कोऑपरेटिव बैंक हैं। हमारे देश में कोऑपरेटिव बैंक का स्ट्रक्चर दो तरीका है, एक तो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से जो कि लंबी अवधि के लिए ऋण सुविधाएं देती हैं, उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है टू टायर सिस्टम जिसमें लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव जो बैंक हैं उसमें सबसे पहली है लैंड डेवलपमेंट बैंक यानी कि भूमि विकास बैंक ये, और दूसरी है प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक प्राथमिक भूमि विकास बैंक। इसके अलावा जो शॉर्ट टर्म प्लस मीडियम टर्म फाइनेंस करने वाले जो कॉपरेटिव इंस्टीट्यूशन हैं उनको थ्री टाइप सिस्टम है। अपेक्स जो कॉपरेटिव बैंक है उसको कहते हैं स्टेट कॉपरेटिव बैंक जो प्रत्येक स्टेट में अलग होती है, जैसे राजस्थान स्टेट में राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक मिलेगी और यूपी है तो मान लीजिए यूपी स्टेट कॉपरेटिव बैंक मिलेगी, यानी कि प्रत्येक राज्य की अलग अलग अपेक्स कॉपरेटिव बैंक होती है जो कि उस राज्य के अंतर्गत जितने भी कॉपरेटिव बैंक हैं उनके माध्यम से रिफाइनेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराती हैं। राजस्थान में जो अपेक्स कॉपरेटिव बैंक है उसका नाम है राजस्थान स्टेट कॉपरेटिव बैंक। इसके अलावा इसके नीचे होती हैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, केंद्रीय सहकारी बैंक जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में होती हैं, हर डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होती है। जैसे अजमेर ज़िला है तो अजमेर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक होगी, इसकी ब्रांचें अजमेर ज़िले में ही मिलेंगी। जयपुर डिस्ट्रिक्ट तो इसकी ब्रांचें जयपुर ज़िले के अंदर मिलेंगी और हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक खोली गई हैं जिनका मुख्य कार्य है कि उस जिले के अंदर जो किसान हैं जो सामान्य जनता हैं उनको ऋण सुविधाएं उपलब्ध करानी हैं। इसके अलावा प्राथमिक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं जो कि विलेज स्तर पर होती हैं, प्रत्येक ग्राम पंचायत में अलग से होती हैं जिसको GSS कहते हैं, ग्राम सेवा सहकारी समिति कहती हैं। ये भी किसानों को काइंस में और कैश में ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाती हैं। इसके अलावा विनिमय बैंक हैं। विनिमय बैंक वे बैंक होती हैं जो विदेशी विनिमय का लेन देन करती हैं। भारत में अलग से कोई विदेशी बैंक नहीं है, विनिमय बैंक नहीं है, बल्कि जो व्यापारी बैंक हैं जिनको कि RBI ने ऑथोराइज कर रखा है वही इस विदेशी विनिमय का कार्य करते हैं, यानी कि विदेशी मुद्रा का जो लेन देन है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा जो अधिकृत व्यापारी बैंक हैं उनके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा हमारे देश में कुछ विनियोग बैंक हैं, इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स हैं, जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम ये बैंक नहीं है लेकिन कुछ संस्था हैं जो कि इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशन के नाम से हैं, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, UTI है, म्यूचुअल फंड आदि का विनियोग बैंक के रूप में कार्य करते हैं। इसका सामान्य संस्था चलाने वाली जो संस्थाएँ हैं वो वित्त विनियोग करने संबंधी लोगों के माध्यम से इन्वेस्टमेंट की सुविधाएँ प्रदान करते हैं। इसके अलावा निर्यातायत बैंक है, एक्जिम बैंक जिसको कहते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, जो भारत में जो आयात करता निर्यात करता है उनको फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने के लिए भारतीय निर्यातायत बैंक की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्य कार्य है वह जो आयात करता है या निर्यात करता है उनके लिए वित्त की सुविधा उपलब्ध कराना है। इसके बाद कुछ विकास बैंक हैं जैसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, 1948 में है, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम है जिसकी स्थापना 1955 में की गई थी, ऐसे भारतीय औद्योगिक विकास बैंक IDBI है 1964 में जिसकी स्थापना की थी जो कि बड़े बड़े उद्योग धंधों के लिए ऋण प्रदान करता है, ऐसे ही भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक हैं 1985 में, ऐसे ही राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक जो नाबार्ड का मैंने आपको बताया था जिसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसी प्रकार से जो लघु उद्योग हैं उनको वित्तीय सुविधा प्रदान SIDBI की स्थापना की थी, यानी कि स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना की गई थी। इसी प्रकार से हाउसिंग फाइनेंस करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान हाउसिंग
बैंक जो है HSBC की स्थापना की गई, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस बैंक की स्थापना, राष्ट्रीय आवास बैंक जिसको कहते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक, राष्ट्रीय आवास बैंक NHB की स्थापना की गई, जो कि विकास कार्य के लिए यानी कि जो निर्माण कार्य हैं हाउसिंग डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको पूरा करने के लिए फाइनेंसिंग की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इसके बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बैंकें होती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है या विश्व बैंक हैं, भारत इनका भी मेंबर है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना है वो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्ति के समय विश्व की अर्थव्यवस्था एक तरह से हम कह सकते हैं कि नष्ट प्राय हो गई थी, उनको पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। और 1944 में अमेरिका के वेटरन वर्ष में एक सम्मेलन आयोजित किया था जिसमें कि विश्व बैंक की स्थापना का निर्णय लिया गया था। और विश्व बैंक की स्थापना के पीछे जो उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध से जो पीड़ित अर्थव्यवस्था है यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो विकासशील या अन्य राष्ट्रों के जो नुकसान हुआ है उसका वापस पुनर्निर्माण करने के लिए किस प्रकार से उनकी मदद की जाए, उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक की स्थापना किसने हुआ था 1945 में। ऐसे ही जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का निर्णय हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लगभग समाप्त हो गया था और उसको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ाने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय भुगतान की समस्या दूर करने के लिए, या हम कह सकते हैं कि विनिमय दरों में स्थिरता लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना का भी निर्णय हुआ था। और भारत इनका संस्थापक सदस्य है, यानी कि स्थापना के समय से ही भारत विश्व बैंक का और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सदस्य बना हुआ है। इसके अलावा स्वीकृति ग्रह कटौती ग्रह भी कई राष्ट्रों में पाए जाते हैं जो कि विनिमय बिलों की स्वीकृति कटौती के कार्य करते हैं। भारत में अलग से स्वीकृति के कटौती ग्रह नहीं है, जो व्यापार बैंक हैं वही ये सब कार्य करते हैं। इसके अलावा कुछ और जैसे डाकघर बचत बैंक है, आजकल भारत में जो पोस्ट ऑफिसेज हैं उनको भी बैंकिंग नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है और वो सब सुविधाएं देने लगे हैं जो कि बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस देते हैं। इसके बाद मर्चेंट बैंकिंग है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत में बहुत सारी बैंकिंग संस्था हैं जो कि बैंक का कार्य करते हैं और राष्ट्र के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। किसी भी राष्ट्र के आर्थिक विकास की जो रीढ़ की हड्डी है वो बैंक्स होती हैं, तो जितनी मात्रा में बैंक होंगे, बैंक की शाखाएं होंगी और जितनी मात्रा में बैंकों के द्वारा लेन देन किए जाएंगे उतना ही उस राष्ट्र का आर्थिक विकास होता है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।